हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदगी एक सफर बाय आयुषी। तो फ्रेंड्स, अभी का ब्लॉग मैं काफी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे रात के 8 और हम लोगों ने डिनर बना दिया है और मैं और कोमल जा रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि मैं कोमल गए थे बाहर ढूंढने के लिए कि कोई मेहंदी लगा रहा है कि नहीं, बट लकीली हमें एक सिस्टर मिल गई अपने साथ जिन्होंने रेडी हो गई कि ठीक है मैं घर में आके मेहंदी लगा लूंगी। सो हम लोगों ने आराम से डिनर भी कर लिया, अब हम बैठे हुए हैं। तो रात के बज रहे हैं अभी 10 और 10 बजे लगे। मेरी मेहंदी है लग चुकी है और मेरे साथ बनी है प्रियंका जिसकी मेहंदी अभी लग रही है। वेलकम टू जिंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, आज है करवाचौथ और सारी लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी करवाचौथ। अभी आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने कैसे मेहंदी लगाई और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी कितनी डार्क रच चुकी है और अभी मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ एकदम अपने ब्राइडल लुक में। सो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको जल्दी कवरेज करके दिखाएंगे आज करवाचौथ की और अपना लुक दिखाएंगे आपको रात का और कैसे हम अपने फास्ट को ओपन करेंगे। सब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर चल रहा है इनका लंच। यो बना है आलू का झोल और ये सपोर्ट के खाया जा रहा है। ये लोग तो खाना खा रहे हैं। अब मेरे साथ मेरे कॉम्पिटिटर एक और है जो भी आज व्रत ले रहे हैं, दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पर। ये है हाउस नंबर 2। हमारी कब्बू सो रही हैं, को शांत करने के लिए हमने बिंदी लगाई थी। ये नब्बू हैं और ये शर्मा रही है हमारी प्रियंका, बोल रही है दीदी मुझे मत दिखा। प्रियंका मेहंदी तो दिखा दे अपनी मेहंदी। करण जी को भी दिखाएंगे, उनके करण अर्जुन आएंगे। फ्रेंड्स, नीचे ये लोग खाना खा रहे हैं और मैं आ रखी हूँ प्रियंका के रूम पे क्योंकि मुझे उनका खाना देख के बहुत ही मन कर रहा था। क्योंकि नाश्ता क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट हम लोग स्किप कर ही लेते हैं, बट लंच एक ऐसी चीज़ है जिसमें भूख लग ही जाती है और अभी पेट पे थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा है। सो हम सोच रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ एक चीज़ का रिकॉर्ड तो है, बेचारी ने प्याज मेरे लिए प्याज रखे रहते हैं यहाँ पर, लहसुन रखा रहता है यहाँ पर और सीधा एक डायलॉग होता है प्रियंका का, क्या दीदी खाना बना दो प्लीज। हमेशा जैसे मैं ऊपर आती हूँ, दीदी ये प्याज टमाटर है खाना बना दो प्लीज़। मेरे हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तत्पर रहती है प्रियंका, पर आज हम नहीं बनाएंगे खाना। आज कुछ डिफरेंट होगा। आज खाना बनाएंगे हमारे पति लोग और हम बैठ के उसका लुफ्त उठाएंगे। मस्त जोक मारा रे। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं आज करवा चौथ के दिन। और ये यहाँ पर प्याज कट चुके हैं, अब हम चॉप करेंगे टमाटर। हम लोग यहाँ पर रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रियंका के खाने की मैं थोड़ा हाथ बटा रही हूँ, फिर मैं नीचे जाएंगे फिर अपना खाना बनाएंगे। सो ऐसा हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। भूख से बेहाल। पानी पियोगे? पी लो कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा। तो बताएगी तो नहीं ना। भैया वह दुकान में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और आप यहाँ बोलोगे मैं पानी पीऊंगी। मैं नाराज हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी मैं और प्रियंका जा रहे हैं कीर्तन में। आप देख सकते हैं हमारा शाम वाला लुक। हाँ, मैं और प्रियंका जा रहे हैं शाम की कथा एंड कीर्तन अटेंड करने के लिए। और ये है मेरा साड़ी में लुक। आज वाकई समय का पता नहीं चला, दिन के 12-1 बजे तक पता चला। उसके बाद हम लोग रेडी शेडी होने में इतना बिज़ी हो गए कि एक्साइटमेंट पे हमें टाइम का पता नहीं चला। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ अब हम कर रहे हैं आरती। सो फ्रेंड्स, अभी कथा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और यहाँ पर चल रहा है हम सबका फोटो सेशन। आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हो रखे हैं सारी लेडीज़। सो अभी हम लोग घर से विदाई ले रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और आई थिंक चांद भी आ चुका है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत में चेक करने कि अरे वाह, चंदा मामा आ चुके हैं। चंदा मामा आ चुके हैं और हम आ गए हैं छत में। मैं ओपन करने जा रही हूँ अपना फास्ट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी पूजा कर ली है। होप सो आप लोगों ने भी पूजा कर ली और अपना फास्ट ओपन कर लिया हो। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे से गया हमारा फास्ट और हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने। सो अगर आपको ये ब्लॉग आज का करवा चौथ का पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो कि जिंदगी एक सफ़र पे आयुषी है, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा गिफ्ट भी मिल गया मुझे करवा चौथ का।